नमस्कार, यूपी मिश्रा की ओर से जोहारेंगे यूपी मिश्रा इंसा झारखंड वर्षा खान। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है कि चार ग्रहों का योग हो रहा है, उसके बारे में बताइए। बताऊंगा, और लेकिन मैं इतना तो जरूर आश्वस्त हूं कि आप लोग, हम लोग जो एक साथ चल रहे हैं पिछले 8-9 सालों से, तो इतना तो अवश्य समझ में आ गया होगा कि हर ग्रह कहीं भी रहते हैं तो अपनी पहचान वहाँ जरूर बनाते हैं। चार ग्रह हो तो चार पहचान होंगी, ऐसा नहीं कि एक मिट जाएगा, दूसरा मिट जाएगा या कोई न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ जहाँ सभी ग्रह इकट्ठे होते हैं, सभी ग्रहों का रिजल्ट होता है। इसलिए ज्योतिष में कहा गया है कि कोई घर यदि खाली है तो, जैसे 7th और 8th हाउस खाली है तो अच्छी बात है, यदि एक ग्रह है तब भी अच्छी बात है, दो ग्रह ही तक अच्छा है, दो ग्रह से ऊपर होने से झंझट हो जाता है। यदि सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके यदि 3 ग्रह इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब है कि 6 भाव का रिजल्ट देंगे। सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके 2 ग्रह इकट्ठे हो गए तो 4 भावों का रिजल्ट देंगे। अब आपके कुंडली में उन 4 भावों में यदि पापक ग्रह ही हैं तो आपके लिए तो रिजल्ट तो बुरा ही होगा। तो ये सब चीज जो एक जनरल रूल एस्ट्रोलॉजी का है उसको फॉलो करके आप समझ लें, और जो अन्य पंडित जी लोग, जो एस्ट्रोलॉजर लोग जो बोलते हैं, उनकी भी भाषा जरा सुन लीजिए आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि शनि का 1 साल बचा हुआ है, 1 साल शनि का और बचा हुआ है। शनि के बारे में कुछ बता दूं, कुंभ राशि के शनि के बारे में, कारण कि गुरु का बहुत डिटेल हमने बताया है, बहुत ही डिटेल बताया है, जो लोग नोट करके रखे होंगे उनके लिए जीवन का अमूल्य निधि हो गया। तो शनि के बारे में भी मैं कुछ बता देना चाहता हूं। शनि हमेशा एक कंट्रोवर्शियल प्लेनेट के अंदर में आते हैं, लोग डरते हैं, 3 ग्रहों से डरते हैं, शनि राहु केतु से डरते हैं, मंगल से भय खाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मंगल कष्ट दे सकते हैं, लेकिन मंगल अपना मंगल करना भी नहीं भूलते हैं। तो आज मैं थोड़ा शनि के बारे में ही बोलता हूँ, और उनके प्रार्थना के साथ ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि के बारे में बेसिकली हमने लिखा है, शनि 5 चीजों को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म का मतलब आधुनिक जीवन में नौकरी भी हो गया, व्यवसाय भी हो गया, और भरण पोषण का तरीका। कोई आदमी जीवित है तो किसी तरह से उसका भोजन पानी तो मिल रहा है, तभी तो जीवित है। तो भरण पोषण का काम भी ये शनि ही करते हैं, नौकरी भी ये शनि ही देते हैं, बाकी जो व्यापार है सारा चीज ये, मुंह में जो अन्न जाता है जिससे हम जीवित रहते हैं वो शनि देते हैं। दूसरा, शनि आयु को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो चींटी की आयु हो, चाहे हाथी की आयु है, चाहे मनुष्य की आयु है, चाहे चील और गरुड़ की आयु है, किसी भी चीज की आयु, जानवरों की आयु, पक्षियों की आयु, कीट पतंग किसी की भी आयु, सभी की आयु शनि ही कंट्रोल करते हैं। शनि इज द कंट्रोलर ऑफ लॉन्गजीविटी, कौन आदमी कितना दिन तक जीवित रहेगा, कितना सांस लेगा, मैं सांस लेगा की बात बोल रहा हूं, ये शनि तय करते हैं, शनि ही डिजाइन करते हैं। लॉर्ड ब्रह्मा हृदय को इस तरह से डिजाइन करते हैं, हार्ट को,
कि ये कितनी बार सांस ले सकता है वो जीवित रहेगा उतना। इसलिए वायु को भी शनि इंडिकेट करते हैं। मैंने नहीं लिखा यहाँ पर कहीं पर, लेकिन समझ लीजिए वायु को भी शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। और सूरज के पुत्र हैं और दोनों अपोजिट हैं। सूरज में गर्मी है तो शनि में ठंडक है, इनमें गर्मी है तो इसमें ठंडक है। तो इसका फोटो जरूर ले लीजिए, जो नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिए, कारण कि इसको मिटाऊंगा तो कुछ चीजें एक्सप्लेन करने में हमको भी सुविधा होगी। तो मृत्यु को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल शनि जो है 100 वर्ष से 120 वर्ष की आयु को शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए शनि यदि किसी के अष्टम भाव में आ गए अच्छे या बुरे ढंग से, तब भी ये मानी जाती है कि इनकी आयु बढ़ गई है, लंबी आयु है, दीर्घायु रेंज में है, 100 साल तक भी जी सकते हैं। मान लिया किसी के कुंडली में भयंकर मार्केस लगा हुआ है और सारी चीजें हैं जो मृत्यु को अवलंबन कर सकती है, कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, लेकिन शनि यदि अष्टम भाव में है, शनि यदि सेकंड हाउस से अष्टम भाव को देख रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि भी या सप्तम दृष्टि या दसम दृष्टि एट्थ हाउस में है या एट्थ लॉर्ड पर है, तो समझ लीजिए कि वो इतना कष्ट होकर के मार्ग केस होने पर भी मरते मरते बच सकता है, इसकी संभावना प्रबल है। तो डॉक्टरों की चेष्टा से कठिन रोग से भी वो निकल सकता है, ईश्वर की आराधना से वो कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी वो विजय पा सकता है। शनि फेवरेबल होना चाहिए। यदि फेवरेबल नहीं भी है, नीच के भी शनि यदि अष्टम भाव में है, आयु तो बढ़ाएंगे जरूर, लेकिन नीच होने का भी रिजल्ट देंगे। अब नीच होने का रिजल्ट क्या देंगे? शनि को देखिए, कहीं पर हमने लिखा है स्नायु नर्व्स और जंघा से पैर तक लंगड़ा भी हो सकते हैं। तो यदि नीच होंगे तो पैरालिसिस होने का भी डर हो सकता है, पैरों के स्नायु में गड़बड़ी हो सकती है, लंगड़ा के थोड़ा चल सकते हैं, थोड़ा भी लंगड़ा के चल सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी भी यदि लिम्पिंग करके चलता है और थोड़ा शैबी लुक में रहता है तो समझ लीजिए कि वो शनि है, और यदि हल्का सा श्याम वर्ण का या नीले रंग का है वो शनि है। तो लगभग शनि की आयु 100 वर्ष मानी गई है, दीर्घायु मानी गई है। इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए, कारण कि बहुत सारी चीजों में मृत्यु योग बना हुआ है, मार्केस लगा हुआ है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारी बातों को काट सकते हैं, तो शनि काट सकते हैं। शनि यदि कुंडली में बलवान है, सिर्फ उच्च का भी है, अष्टम भाव को नहीं भी देखता हो, तभी शनि तो शनि है, आयु के मालिक है और बलवान होकर के आपके कुंडली में कहीं भी पड़े रहेंगे कुछ तो देंगे। आपके लगन माने शरीर, लगन कुंडली में है तो आपके शरीर को आयु तो देंगे। अब चंद्र कुंडली से हो या सूरज के कुंडली से हो और लग्न के कुंडली से भी यदि बलि हो जाते हैं तो शनि आयु प्रदान करेंगे। तो जब भी कोई पंडित जी या कोई भी आपको कुछ ऐसी बात बोले या आपके बाल बच्चों के लिए बोले तो आप खुद पहले देखिए, शनि 10 नंबर में है, 11 नंबर में है, 7 नंबर में है या 2 नंबर में है, शुक्र के घर में है, अपने मित्र के घर में है, शुभ ग्रहों से देखा जा रहा है। कम से कम 2 ग्रह यदि बुध देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं और
शुक्र भी देख रहे हैं शनि को, तो निर्भय हो जाइए, बच्चे को कुछ नहीं होगा, भगवान शंकर खुद त्रिशूल लेके खड़े हैं इसकी आयु की रक्षा करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये शनि देते हैं हर आदमी को। तो हमने लिखा है शनि की आयु 100 वर्ष होती है, तो 100 वर्ष इसलिए कहा कि शतायु हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, शतायु 100 साल जिए, 100 साल तक शरीर में बल रहता है, 100 के बाद फिर निर्बल होने लगता है शरीर। मैं तो 84 में ही निर्बल होने लगा हूँ, लेकिन शरीर स्वस्थ है, काम कर सकता हूँ, जितना मैं मेरी क्षमता भगवान ने दी है उतनी क्षमता को मैं उपयोग कर सकता हूँ। तो मेरे कुंडली में शनि की कुछ कृपा तो है, तो वैसे ही आपके कुंडली में यदि शनि बलवान है तो समझ लीजिए आपको मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि उस शनि पर शुभ ग्रह देख रहे हो, शुक्र देख रहे हो, गुरु देख रहे हो, तो गुरु इनके विपरीत ग्रह होने के बाद भी ये तय मान लीजिए कि आयु आपकी सुरक्षित है। बुध भी देख रहे हैं तो आपकी आयु सुरक्षित है, आई एम श्योर। अब तो यदि इसके विषय में, मृत्यु के विषय में बताना पड़ेगा तो हमको योग बताना पड़ेगा कौन कौन से कोई ग्रह कहाँ कहाँ है तो आयु बढ़ती है, लेकिन मोटा मोटी में शनि के जरिए आपको ये बता दिया। दूसरा, इनके जो शनि के जो भगवान हैं, जो देवता हैं, वो ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है, पुष्कर में ही एक जगह इनका मंदिर है जहां पूजे जाते हैं। सामान्यतः जो राक्षस हैं वो ब्रह्मा जी को सिद्ध करते थे और देवता भगवान विष्णु को, नारायण को सिद्ध करते थे तपस्या से, लेकिन फिर भी ब्रह्मा की पूजा, स्तुति, प्रेयर आपको बहुत काम देगा, या स्वयं शनि की स्तुति प्रेयर आपको बहुत काम देगा। थोड़ा भी यदि आपके परिवार में मृत्यु की छाया पड़ी हुई है तो ये बहुत काम देंगे आपको। ये इन शॉर्ट हमने इनका जो दूसरा बड़ा काम है उसके बारे में हमने कहा कि ये मृत्यु के मालिक हैं, ये शुभ हैं तो आपकी आयु है, संकट नहीं है। शनि दुख भी देते हैं। शनि का तीसरा बड़ा काम है दुख देना, मतलब पिछले जन्म के किए हुए कर्म, पिछले जन्म के किए हुए कर्म को जब भगवान ब्रह्मा या मालिक या भगवान या जो भी हो, क्रिएटर जो भी हो, वो जब किसी को दंड देना चाहते हैं तो मुख्यतः शनि को प्रधान बना करके दंड देते हैं। शनि के जरिए यदि कोई दंड आपको प्राप्त हो रहा है तो ये पक्का समझ लीजिए कि पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है, और ये दंड की लंबी प्रक्रिया चलेगी, छोटी प्रक्रिया नहीं है। चाहे वो वित्त के कारण हो, धन के कारण हो, शरीर के कारण हो, या मान मर्यादा के कारण हो, या जेल के कारण हो, शनि जेल को भी, कारागार को भी इंडिकेट करता है, शनि एकांत को भी बोलते हैं। तो जेल में कोई आदमी जाता है तो एकांत में ही पड़ा रहता है। तो शनि को कुंडली में शुभ होना पहला लक्षण है कि आप अपने कर्म में सफल होंगे। और जो ये दंड है, इस दंड को दूर करना है, भगवान का लिखा हुआ तो मिटता नहीं है। इतना दुख है तो उसको आप घटा सकते हैं, इतना पर ला सकते हैं, 100 पैसा है तो 90 पैसे पर ला सकते हैं, 80 पैसा पर ला सकते हैं, 75 पैसे पर ला सकते हैं, प्रेयर करके। किनको प्रेयर करना होगा? एक तो शनि भगवान को स्वतः प्रेयर करना होगा, ब्रह्मा जी को बैकग्राउंड में रख करके प्रणाम कर लीजिए, इसलिए कि शनि के ही वो देवता हैं,
ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उसके बाद शनि की पूजा कीजिए। पूजा से मेरा मतलब है प्रेयर इज एनफ। जैसे हमने मंत्र पढ़ना, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम जमाग्रतम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, तो ये प्रेयर चाहिए, ये लगातार चाहिए, जब भी मौका मिले तो कीजिए। प्रातःकाल और संध्या जो गोधूली बेला है इसमें चाहिए। और शनि जब कमजोर हो जाते हैं तो पूरे घर को, जैसे दूध को मथा जाता है ना और मक्खन निकलता है, उसी तरह से पूरे घर में मथ देते हैं और उसके बाद अमृत निकलता है, आदमी पवित्र हो जाता है, लेकिन मथ देते हैं पूरे घर को। फिलहाल मेरा भी शनि एक है, स्ट्रेंथ बहुत कम है, मेरे डायरेक्टर साहब मेरे नाती जी का भी कम है, मेरे पुत्र का भी शनि एक है। तो हाँ, हम लोग भी अपार मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं। शारीरिक कष्ट भी था मेरा, वो निकल गया, शारीरिक कष्ट तो निकल गया, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं रहा कि घर में 10 आदमी, देखिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो यदि सही में एस्ट्रोलॉजर हैं और आपकी वाणी सत्य होती है तो आपके घर में भीड़ लग जाएगी। और मुफ्त आकर के आपके समय को बर्बाद करने वाले बहुत लोग जुट जाएंगे जिनको फ्री चाहिए सारा चीज। जैसे मैं अपना फीस अभी 15,000 रखा हुआ हूं, अगले साल 20,000 करूंगा। तो बहुत सारे लोग तो ठीक है नहीं दे पाते हैं, तो वो मेरी लाचारी है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं। कारण कि जो लोग दे रहे हैं उनकी संख्या इतनी अधिक पूरे विश्व से है, पूरे विश्व से कुंडलियां मेरे पास आती है, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये नहीं कि यहां से हो, कारण कि मैं बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना फीस, लेकिन और किसी भी जगह से नहीं बोलते हैं कि इतना फीस। कारण कि जो लोग मेट्रोपॉलिटन टाउन में रहते हैं उनको मालूम है कि आप दिल्ली में कुंडली दिखाइए, बॉम्बे में दिखाइए, तो कम से कम पंडित जी आपको 50,000 या 1,00,000 का चौपट तो लगवा देंगे, ये पूजा कीजिए, वो पूजा कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, बहुत सारी बातें होती हैं जो मैं नहीं करता। मैं सीधा सीधा जो लॉर्ड क्रिएटर ने आपके लिए लिखा है वही ट्रांसलेट करके आपको सुनाता हूँ। मैं अपनी भाषा उसमें मिला दूँ, उस दूध में मिला दूँ और पवित्र कर दूँ, वो नहीं कर सकता, इतनी क्षमता नहीं है, मैं दंड का भागी हो जाऊंगा। तो ये शनि दंड देते हैं, शनि दंड देते हैं। यदि किसी के भी कुंडली में शनि यदि ऐसे जगह में हो जहां पर, जैसे फोर्थ हाउस है, सुख का घर वही है, वो माता का घर है, तो माता के घर पेट में 9 महीने तक शिशु रहते हैं और माता बहुत केयर करके, सुख दे करके, कैसे भी प्रसव दे करके जीवित रखती हैं, और फिर 1 साल 2 साल तक नन्हे बच्चे को प्यार दुलार और पुचकार के साथ पालती हैं। वो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ जो नंद भावनी पावे, नंद की पत्नी भगवान कृष्ण को पालने में रख करके हलरावे दुलरावे सुलाती थी। तो सूरदास ने लिखा है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। माता का रोल कर रही थी। तो चौथे घर में यदि शनि हो, तो माता के घर में शनि हो तो सुख का अभाव होने लगता है। शनि अभाव को क्रिएट करते हैं, निगेटिव भी हैं, इसलिए ये दंड भी देते हैं। मान लिया किसी को लकवा होता है तो पक्का समझ लीजिए कि उसके कुंडली में शनि खराब है। या जिन वर्षों में 2.5 साल शनि यदि कमजोर है तो उसमें बहुत सारे बीमारियों के साथ नर्व्स के डिफेक्ट के कारण बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। उसमें एक ये भी बीमारी है, लकवा, पैरालिसिस। तो शनि दंड के दाता है, दंड दाता है, तो ये न्याय प्रिय भी हैं। शनि न्याय प्रिय भी हैं, दंड
क्यों देते हैं? ईश्वर की आज्ञा है तो दंड देने का काम कौन करते हैं? जज करते हैं, न्याय जो न्यायाधीश हैं वो दंड देते हैं कि आपको धारा इसके अंदर में आपको सजा दी जाती है, आपको 6 महीने का जेल दिया। उसी तरह से शनि भी न्यायालय का काम करते हैं, दंड देने का अधिकार शनि को है। इसलिए शनि को एकदम निगेटिव मान करके नहीं चलिए, वो जो भी करते हैं प्रभु की इच्छा से करते हैं, मालिक की इच्छा से करते हैं, ब्रह्मा जी की इच्छा से करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, जो पूरे विश्व को निर्माण किए, हमको आपको बनाए हैं, उनकी इच्छा से शनि दंड करते हैं। कहानी सुने होंगे ना, शनि सनई सनई है चरती इति शनि, जो धीरे धीरे चलता है उसको शनि बोलते हैं। तो शनि इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। तो मूव आदमी कैसे करता है? पैर के जरिए करता है। तो इनका पैर कटा हुआ है, टूटा हुआ है, कटा हुआ है। कहानी यह है कि जब मेघनाथ को जन्म होने का समय था तो रावण ने सारे ग्रहों को 11th हाउस में रख दिया, लॉकअप करके बांध करके रख दिया। रावण बहुत बली थे, बहुत तपोबली थे, बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, जैसे भगवान नारद थे। तो ये लोग ज्योतिषाचार्य भी थे, किसी को यूं नहीं बोलते थे कि पुत्रवती भव, कोई यदि पैर में गिर गया, गिराने लगा तो ऐसे नहीं बोलते थे कि जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी। वो मानसिक रूप से ज्योतिष की गणना करके देखते थे कि इसको दिया जा सकता है कि नहीं, ये गर्भ धारण कर सकती है कि नहीं, तो बोलते थे कि जाओ पुत्रवती भव। मानसिक रूप से गणना कर लेते थे। हम लोग भी करते हैं थोड़ी बहुत चीजें, हमारे घर में घड़ी पूरी लगी रहती है। कोई भी आदमी घर के अंदर आता है तो मेरी आंख सबसे पहले तो घड़ी पर जाती है कि कितने बज के कितने मिनट में यह आदमी आया, अभी लगन का कौन सा हिस्सा चल रहा है, इतना दिमाग में रहता है बराबर। तो ये क्या पूछने आया होगा, इसकी क्या समस्या होगी, वो पहले से थोड़ा बहुत ज्ञात हो जाता है। आप भी प्रयास करेंगे, जो नए सीख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये अभ्यास डालिएगा तो 24 घंटा में कौन लग्न कब खत्म हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो जब भी कोई आपके घर में आता है प्रश्न पूछने के लिए या कुछ जानने के लिए, तो आपकी आंखें चली जानी चाहिए घड़ी के ऊपर में। घड़ी पर आप देख रहे हैं कि इतना बज रहा है, 4:30 बज रहा है, जैसे अभी 7 बजने में 20 मिनट है संध्या का, तो मेरी आंख तो उधर गई। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे समझ में आता है कि क्या समय चल रहा है, इसमें कोई आगंतुक आ जाएंगे तो वो भला आदमी क्या जानना चाहेगा हमसे। लग्न से थोड़ा बहुत मालूम हो जाता है, लग्न इज इंडिकेटर रिगार्डिंग योर बॉडी। तो शनि दंड देते हैं और शनि जब दंड देते हैं तो खुश होना चाहिए आपको। खुश इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे साबुन से कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है और साबुन छोटा हो जाता है, इतना बड़ा साबुन इतना छोटा हो जाता है। उसी तरह से जब शनि दंड देते हैं तो आपका जो अपवित्र शरीर है वो साफ हो जाता है, और दंड झेलते झेलते जो दंड मिलता है उसके कारण दुख का जो आइटम है इतना छोटा हो जाता है, मतलब आप पवित्र हो जाते हैं। लेकिन यदि यही दंड राहु देंगे, यही दंड केतु देंगे, तो शरीर साफ नहीं होगा। शनि जिस तरह से शरीर को, आत्मा को, शरीर को निर्मल करते हैं वो नहीं होगा, वो अकेला सिर्फ शनि कर सकते हैं। इसलिए शनि को न्यायकर्ता भी बोलते हैं, इनको दंड देते हैं और ये न्याय भी करते हैं। न्याय इसलिए हमने न्याय को समझाया कि न्याय का मतलब यह है कि आपके दुख को वो रिमूव तो नहीं कर सकेंगे, कम कर सकते हैं। कपड़ा बहुत गंदा है तो साफ कर सकते हैं, एकदम सफेद नहीं भी करेंगे तब भी साफ तो कर सकते हैं। आपका शरीर थोड़ा सा पवित्र हो सकता है, निर्मल हो सकता है, ईश्वर के करीब आने की चेष्टा कर सकता है, आप धर्मप्रिय हो सकते हैं, आपको शनि की कृपा हो सकती है।
तो वो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं कि कभी कभी ईश्वर की कृपा अनायास हो जाती है। जैसे कभी कभी जो जज साहब हैं वो कृपालु हो करके दया करके वो देखते हैं कि हाँ उसको लगभग सताया जा रहा है, तो थोड़ा कृपा करके दंड कम कर देते हैं, ऐसा होता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी राम सुखदास की लिखी हुई, कभी और भी जिक्र कर चुका हूं कि एक लोहार था, उसको हत्या के जुर्म में सारे इस तरह से सबूत मिले हुए थे कि उसको फांसी की सजा होनी ही थी या आजीवन कारावास होना ही था, लेकिन जज साहब आत्मा से ये स्वीकार कर रहे थे कि ये निर्दोष है, लेकिन सारे गवाह सारे सबूत सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि ये प्रूव कर ही रहा था कि नहीं, कत्ल करने वाला हत्यारा तो यही है, लेकिन उनकी आत्मा नहीं मान रही थी। तो एक दिन शाम को अपना छड़ी लेकर के घुमाते घुमाते लोहार के घर में पहुंच गए, वो अपना काम कर रहा था, जज साहब को देख करके उठ खड़ा हुआ, घबराया, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला हुजूर आप मेरे घर में, बोला एक बात पूछने आया हूं बेटा आपसे कि आप कभी जिंदगी में और कोई हत्या सही में किए हुए हैं क्या, हमको सत्य सत्य ये बात बता दीजिए, कारण कि आपको जो मैं दंड दूंगा वो गलत दंड दूंगा मुझे मालूम है, आपने हत्या नहीं की है जो वर्तमान केस है, लेकिन सच्ची बात हमको बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक हत्या हमारे हाथ से हुई है और इरादतन नहीं हुई है, बिना इरादा के हुई थी, हो गई थी हमसे हत्या। तब जज साहब आश्वस्त हो गए, उन्होंने कहा कि ये जो सजा मैं दूंगा आपको उसको वो जो हत्या हुई थी उसी हत्या के संदर्भ में जोड़ लीजिए कि ये आपको सजा दी जा रही है, इसमें आप निर्दोष हैं ये मैं जानता हूं, लेकिन कानून अंधा होता है, सबूत के ऊपर में ही सारी चीजें चलती हैं। तो कोई ये न्याय प्रक्रिया है, जज साहब को न्याय प्रिय था, उनके कुंडली में शनि बलवान जरूर रहा होगा तभी वो उस लोहार के पास पहुंचे, इसलिए कि लोहा को भी शनि ही इंडिकेट करते हैं, लोहार को भी शनि ही इंडिकेट करते हैं। तो ये मैंने आपको संदर्भ सिचुएशन के हिसाब से संदर्भ के हिसाब से बताया कि शनि न्याय भी करता है। आप कहा गया है शंकराचार्य कहीं शायद शब्द है किं शल्यम, क्या चीज है जो छाती में या आत्मा में या मन में हमेशा गड़ता रहता है, जिसका तकलीफ हमेशा मन को आत्मा को पश्चाताप से भरा रहता है, क्या चीज है? तो उसका उत्तर उन्होंने स्वयं लिखा है प्रच्छन्न कृतम पापम, छिप करके किए हुए जो अपराध होते हैं जो पाप होते हैं वो सल्ले के ऐसा गड़ता रहता है। हम लोग सोचते हैं ना ये गलत काम कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा होगा, घूस ले रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या गलत पाप कर रहे हैं, गलत व्यवहार किसी लड़की के साथ कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन किम शल्यम प्रच्छन्न कृतम पापम, छिप करके किए गए अपराध जो है वो आत्मा को सात पीढ़ी तक सात जन्म तक शल्य है, वो गढ़ता रहता है, आत्मा को तकलीफ देता रहता है। तो ये न्याय की प्रणाली है और ये शनि जनमानस को बोलते हैं, पब्लिक को बोलते हैं, पब्लिक माने शनि। तो जिस राजनेता या नेता या लीडर के कुंडली में शनि बलवान नहीं है उसको वोट कम मिलता है, उसका मतदान कम होता है,
उसको जीतने की संभावना कम रहती है। जो नए जो शिक्षार्थी हैं, जो सीख ले रहे होंगे, जो शिक्षार्थी है ना, सभी जगह से कुछ न कुछ शिक्षा लेते रहते हैं। जैसे मैं भी था, तो कहीं से भी मैं कुछ भी मैं समझ में आता था तो मैं रजिस्टर में लिखता था। आज भी मेरे रजिस्टर भरे पड़े हैं, कभी खोलता हूं तो लगता है ये बताना था, ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए, लेकिन समय परमिट नहीं करता है। एक तो ऐसे ही हमारा लंबा हो जाता है, लोग 20-25 मिनट का ही देखना चाहते हैं, मेरा तो 40 मिनट एक घंटा हो जाता है। मैं क्या संक्षेप करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। संक्षेप करूं तो जो मूल भावना है वही नष्ट हो जाती है। तब तो फिर मसालेदार शब्दों में बोलना होगा, सनी आपको मालामाल कर देंगे, सनी आपको सूली पर चढ़ा देंगे, उस तरह के चीप लैंग्वेज में बात करनी होगी। ऐसे ही हमने उस दिन कह दिया थोड़ा सा कि भारतवर्ष की रक्षा के लिए हमको 4 आदमी की जरूरत है और चारों का जो है वो लग्न तो एक पूर्वा फाल्गुनी है, नए संविधान का राष्ट्रपति का पुष्य है और प्रधानमंत्री का अनुराधा है और भारतवर्ष का भी पुष्य नक्षत्र है। तो संकल्प में इतने नक्षत्रों को जोड़ करके महामृत्युंजय का जप कीजिए तो पूरे भारतवर्ष में, पूरा भारतवर्ष मेरा नहीं है अकेला, इसमें एक भिखारी भी रहते हैं, इसमें एक राजा भी रहते हैं, इसमें एक बीमार व्यक्ति भी रहता है, इसमें एक मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से, मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन सोचने वाले सोच लेते हैं कि मैं आज से आपका चैनल छोड़ रहा हूं, मेरे आपके सर नाराज नहीं हुए तो मैं तो बार बार बोलता हूं कि यदि मेरी भाषा आपको ना पसंद है तो बंद कर दीजिए मोबाइल या अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए, कारण कि जो अप्रिय हो सुनना नहीं चाहिए। यदि मैं अप्रिय बोल रहा हूं तो मत सुनिए। सत्य बहुत कड़वा होता है, सत्य बहुत कड़वा होता है। कुंडली पढ़ना एक चीज है और कुंडली को आंखों से देखना एक चीज है, मैं दोनों काम कर सकता हूं। इसलिए लोगों को मैं बोलता हूं कि जहां पर आपका जन्म हुआ है तो सामने में सड़क होगा, वो उत्तर दक्षिण या पूरा पश्चिम चलता होगा, वहां पर एक मंदिर होगा, नॉर्थ में एक मंदिर होगा, तो ये पूरा विवरण देता हूं। मैं कहता हूं कि ये मिला लीजिए, ये मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। कि पहली सांस जहां पर भगवान इजाजत दे रहे हैं आप वहां पर ठीक पहुंचे हो और मैं आप पहुंचा हूं उस जगह में कि नहीं। यदि मैं उस जगह में नहीं पहुंचा हूं तो मेरी वाणी गलत हो सकती है, इसलिए मैं पूछता हूं क्या मैं ठीक हूं, बोल रहा हूं वो सही है, मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है तो मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, एक दिन छोड़ करके, दो दिन छोड़ के फिर से पढ़ूंगा। मैं किसी भी कुंडली को 3 बार पढ़ता हूँ, एक बनाते वक्त, फिर बनाने के बाद, एक सप्ताह के बाद पूरा पुनः पढ़ता हूँ और बोलने के पहले लोगों को बोलता हूँ कि 9 बजे हमको रिमाइंड कर दीजिए, फिर 2 घंटे के अंतराल में पढ़ता हूँ। 3 बार पढ़ने के बाद भी लॉर्ड ब्रह्मा ईश्वर की भाषा इतना आसान नहीं है कि फटाफट बोलते चला जाऊं। आत्मा को भी डर लगती है, शरीर को भी डर लगता है, भगवान का सजा कितना ढो सकूंगा, कृपा है तभी तो चल रहा हूं। तो ये जो जनमानस है, ये पब्लिक माने शनि, जिसकी कुंडली में शनि कमजोर है, कृपया बेकार 2-4 करोड़ रुपया बर्बाद मत कीजिए, वो आपके बाल बच्चों के काम आ जाएगा। व्यर्थ का पैसा मत बांटिए इलेक्शन में, आपका आपकी जीत नहीं होगी। किसी को भी जीतने के लिए 2 ग्रह उसके कुंडली में बहुत बली होना चाहिए। एक तो शनि, जिन किन प्रकार न बली हो। दूसरा सूरज माने गवर्नमेंट, सरकार। सूरज भी जिन किन प्रकार न बली हो। यदि सूरज उच्च का हो, शनि उच्च का हो कुंडली में, तो वो तो राष्ट्रपति भी हो सकता है। हाँ, और भी ग्रह कम से कम खराब ना हो, अच्छे भी नहीं हो तो खराब भी नहीं हो। तो शनि जनमानस को बोलते हैं और शनि का
जो अपना एरिया है वो गंगा नदी से लेकर के जो मैदानी क्षेत्र है गंगा नदी से लेकर के हिमालय पहाड़ तक का जो क्षेत्र है वो हाँ आई एम राइट हिमालय से लेके गंगा नदी तक का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र शनि भगवान का है। इसमें खास करके दो जगह का जिक्र है वो है सौराष्ट्र एंड काठियावाड़ शनि का खास स्थान है। यदि वहां पर काठियावाड़ या सौराष्ट्र में शनि का मंदिर है तो शनि वही है वही निवास कर रहे हैं। तो आज यहां तक हमने जो बात बताई उसको समझ लीजिए और इतना जान लीजिए कि शनि 30 डिग्री में शनि ढाई साल रहते हैं, 1 डिग्री 1 महीना चलते हैं तो 30 डिग्री 30 महीना चलेंगे मतलब ढाई साल। तो हर एक महीना में शनि 1 डिग्री आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट डिग्री के हिसाब से, डिग्री मिनट सेकेंड से, और 13 डिग्री 20 मिनट मतलब एक नक्षत्र की जो दूरी जो 13 डिग्री 20 मिनट होती है उसमें शनि को समय लगता है 400 दिन तो शनि कभी स्तंभित रहते हैं, खड़े हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं, चल तो रहे हैं आकाश में कुछ जो भी ऊपर है वो तो चल रहे हैं लेकिन इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि लगता है जैसे कि खड़े हैं। वो 5 दिन का पीरियड होता है, 5 days बिफोर ही बिकम्स रेट्रोगेट। और जब फिर रेट्रोगेट से डायरेक्ट होने लगते हैं तब भी 5 दिन स्तंभित रहते हैं। हाँ स्तंभ माने खंभा, खंभा के ऐसा खड़े रहते हैं, तो सही में खड़े नहीं रहते हैं, थोड़ा चलते हैं। तो शनि की अष्टधा गति है या किसी भी ग्रह की अष्टधा गति 8 गतियां होती हैं। तो एक हुआ स्तंभित, उसके बाद हुआ उनका नॉर्मल चाल जो हम लोग वॉक कर रहे हैं नॉर्मल से, उसकी नॉर्मल गति बोलते हैं कि कितना मिनट कितना डिग्री ये चलते हैं नॉर्मल चाल से, जैसे हम लोग चलते हैं वॉक करते हैं यहां से बाजार जाएंगे तो नॉर्मल जाएंगे। दूसरा हुआ कि जल्दी है तो जल्दी जल्दी पांव बढ़ा करके तेजी से चलेंगे, तीव्र गति सामान्य गति स्तंभित सामान्य गति फिर तीव्र गति, और नहीं मेडिसिन लाना है बच्चा को कुछ कष्ट हो गया है तो दौड़ के जाएंगे, तीव्र गति से भी और तेज अतिचारी स्तंभित नॉर्मल तीव्र और अतिचारी, स्तंभित नॉर्मल तीव्र अतिचारी ये 4 गति हुआ। और वैसे ही लौटने में 4 गति 8 गतियां होती हैं। तो हर ग्रह जिस तरह से जब स्तंभित हो जाते हैं तो एक रिजल्ट होता है, शनि का भी वैसे ही होता है। सामान्य नॉर्मल गति से चलते हैं तो वो भी एक रिजल्ट होता है, तीव्र गति से चलने लगते हैं तब भी एक दूसरा रिजल्ट होता है, अतिचारी होते हैं जैसे चोर भागता है कुत्ता दौड़ाता है या पुलिस दौड़ाते हैं तो चोर भागता है ना प्राण लेकर के कि पकड़े ना जाए, तो जब गति किसी ग्रह की या शनि की या गुरु की गति अतिचारी हो जाती है बहुत तेजी से दौड़ने लगते हैं तो बहुत निगेटिव गति होती है, वो रियली डिसास्टर। बड़े ग्रहों में जैसे गुरु हैं, गुरु अतिचारी हो जाए तो भूकंप का भी डर रहता है, शनि से भी स्थितियां ऐसी बनती हैं। तो अष्टधा गति होती है शनि की, तो याद रख लीजिए 1 महीना में 1 डिग्री चलते हैं, इतना भी याद रख लीजिएगा तो आप हिसाब जोड़ सकिएगा।
अब शनि जो अभी कुंभ राशि में है आकाश में, ये शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ से निकल करके मीन में जाएंगे। मोटा मोटी बात बोल रहा हूं मैं आपको, 29 मार्च 2025 को मीन में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। तो जितना दिन अभी शनि रहेंगे, अभी बीच में स्तंभित भी रहेंगे, उल्टा भी चलेंगे, फिर उल्टे जाकर के रुकेंगे, स्तंभित होंगे, फिर लौटेंगे, फिर इन्हीं नक्षत्रों को गुजरते हुए फिर वो जाकर के मीन राशि में ढुकेंगे। तो अभी शनि का सांप ऐसे गति जो है ना, वो ऐसे चल रहे हैं, फिर पीछे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, ये होना अभी बाकी है। तो इनके बारे भी मैं आपको थोड़ा सा चर्चा कर दूंगा। कारण कि शनि यदि आपके लिए अशुभ हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे भला आदमी से यदि आपको झगड़ा हो जाए तो भला आदमी तो भला आदमी ही है, बाय नेचर इज अ गुड पर्सन। सो यदि आपसे खार भी खाएगा तो आप पर आपकी प्राण हानि तो नहीं कर सकता है, मुकदमा कर रहेगा। बहुत दुष्टता करेगा तो मुकदमा कर रहेगा। उसी तरह से और ग्रह जो है वो कुछ करें ना करें, लेकिन शनि तो दंड देते हैं और ईश्वर की आज्ञा से दंड देते हैं, दंडाधिकारी हैं। तो शनि यदि दंड देने पर आ गए और आपका प्रच्छन्न कृतम पापम उससे नाता नहीं छूट रहा है, आप पाप किए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, तो भगवान क्यों कृपा करेंगे आपके ऊपर में, क्यों कृपा करेंगे आपके ऊपर में। इसीलिए ज्योतिष में कहा गया है कि 12 साल तक बच्चे की आयु माता पिता के कर्मों के ऊपर में रहता है। 1 से 6 साल तक माता यदि पूजा पाठ धर्म कर्म सदाचार करती है तो बच्चे की आयु बली होती है, पुष्ट होता है और प्रगति करता है, तीव्रता आती है, बच्चा भविष्य में भाग्यशाली हो सकता है। 7 साल से 12 साल तक पिता यदि योग्य हैं, उचित हैं, धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब भी लड़के का विकास हो सकता है, कुंडली तो उसकी बनी हुई है। लेकिन 13वें साल से स्वतंत्र रूप से उसका अपना भाग्य काम करेगा, 13, 14, 15 आगे ऑनवर्ड्स। लेकिन उसके पहले तक माता पिता के कर्म के कारण तो बच्चे की बहुत सारी चीज बताने में मैं बोल रहा हूं, कुछ बोलते हैं नहीं सर ऐसा तो होता नहीं है, अब गलत बोल रहे हैं, हाँ भाई मैं गलत बोल रहा हूं। अब मैं क्यों कहूं, कैसे कहूं कि बच्चा 4 साल का है, आपके माता अपने पत्नी का हिसाब देखिए, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करती हैं कि कुछ तो पाप मार्ग पर अग्रसित हैं, माता पिता से अपमानित करते हैं, सास ससुर को अपमानित करते हैं, तो ऐसा हो तो आए तो बच्चे पर तो प्रभाव पड़ेगा। अब मैं ये सब चीज बोल नहीं सकता, बोलना नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहते हैं लोग। बहुत बच्चों की कुंडली में दिखता है कि ये लड़का 16वें साल में या 14वें 16वें 18वें साल में ये किसी लड़की के साथ इसका संपर्क हो चुका है, बोला नहीं जा सकता। बच्चों को कभी कभी डांट फटकार करके बात कीजिए तो उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार लोग नाराज हो जाते हैं। कुछ चीजें होती हैं, जैसे मैंने कभी 2-4 बात किसी को कहा कि आपको ये हुआ है तो हाँ, ये हुआ है तो हाँ, ये हुआ है तो ना, हम कहा कि ठीक है, हम और आप दोनों आदमी बैठे हैं ना, आप अपने मम्मी को फोन लगाइए और मम्मी से बात कीजिए, आप माइक ऑन कर दीजिए, सुनूंगा मैं भी क्या जवाब दे रहे हैं। तो जब माता जी कन्फर्म करती है कि हाँ बचपन में ऐसा हुआ था, तब उनको पूरा विश्वास हो जाता। नहीं तो कुछ भी बोलिए तो सबसे पहले तो ना, माताओं से कहूंगा कि आपका एक गर्भ गिर गया है तो ना, परिवार में ये घटना घटी है, अकाल मृत्यु हुई है तो ना। तो मैं बोलता हूं कि ना बोलने के पहले 2 मिनट समय लीजिए, सोच लीजिए,
मेरा तो कुछ नहीं जाता है, आप नाराज होंगे तो ठीक है, मैं माफी मांग लूंगा आपसे, लेकिन कष्ट तो आपको ही, ये दंड तो शनि दंड देंगे, न्याय करेंगे और दंड देंगे आपको, उससे तो आपका छुटकारा नहीं होगा। मिश्रा जी से छुटकारा हो सकता है। तो मैं ये बराबर रिक्वेस्ट करता हूं, प्रच्छन्न कृतम पापम, छिप कर किए गए पाप सबसे कठिन चीज होते हैं, वो जल्दी घूस लेना, छिप करके किए हुए पाप हैं, किसी नारी से संपर्क बनाना छिप कर किए हुए पाप हैं, गर्भ नष्ट कर देना भी छिप कर किया हुआ पाप है। तो प्रच्छन्न कृतम पापम ये माफ होने वाली चीज नहीं है, ये माफ होने वाली चीज नहीं है, ये शनि इसके अधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी शनि है जो न्याय करके दंड देते हैं कि आपको कितना दंड चाहिए। आज यहीं तक, कल कुछ और बात करूंगा, लेकिन जो ले सकते हैं इसका फोटो लेकर के रख लीजिए। बहुत सारी चीज हमने लिखे हैं कि शनि कहाँ तक क्या क्या और इसके अलावा क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शनि पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, लंगड़े आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान को रिप्रेजेंट करेंगे तो कौन से भगवान को रिप्रेजेंट, बहुत सारा चीज है, इसको आप नोट कर लीजिए, अगले दिन इस विषय पर बात करूंगा मैं। थोड़ा समय लगेगा, शनि को समझना जरूरी है, समझना जरूरी है, बिना शनि को समझे सिर्फ शनि शनि रोते रहिएगा तो नहीं होगा। शनि भी भगवान है, नवग्रह भगवान है, देवता है, सारे देवता हैं, नौ ग्रह देवता हैं, यह ददाति सौ देवता, जो देते हैं, सूरज भगवान रोशनी देते हैं, प्राण देते हैं, गर्मी देते हैं, शरीर के अंदर में अग्नि देते हैं जो हमको जीवित जीवन धारण कराती है, चंद्रमा मन देते हैं, सफलता होती है ताकि हम पागल ना हो, हम मानसिक रूप से डिरेल ना हो, स्वस्थ हो, मेरा दिमाग काम करे, पढ़ू लिखू आगे बढ़ू। मंगल शरीर में ऊर्जा देती है, बल देता है, मांस है, खून है, ये सारी चीज मंगल देते हैं। बुध स्किन को देते हैं, कोई रोग ना हो, शरीर का आवरण, ये जैसे जाड़े में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, इसलिए जब मनुष्य को निर्वाण करते हैं तो भगवान चमड़े से उसको आच्छादित कर देते हैं, मांस से खून से बनाते हैं तो चमड़े से आच्छादित कर देते हैं, कवर करते हैं, इट इज अ कवर। गुरु जो है उस जीव में, उस शरीर में आत्मा आती है, जीव जो जिंदा है, जो चल फिर सकता है, जो मूवमेंट कर सकता है, जिसमें ज्ञान समावेश हो सकता है, जिसमें गर्मी रखने की क्षमता हो, तो जीव को, हर जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, चाहे दास हो, सब जीव है, जीवित है तभी तो जीव है, और उसमें आत्मा है, आत्मा में भगवान है। तो ये सारी चीजें मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आज हमने जहां तक लिखा है, फोटो ले लीजिएगा प्लीज, यदि ले सकते हैं या जैसे उतार सकते हैं उतार लीजिए। आज यहीं तक, इति शुभम तेहंदो निनाग्य जोहार। और मैं अपनी बात थोड़ा कर लूं, हाँ बीच में मेरा शरीर ठीक नहीं था, लेकिन एक होता है ना, एक पतझड़ हो जाने के बाद, तूफान आने के बाद जो शरीर में कमी हो जाती है, वो तो कमी हो गई है, लेकिन ज्ञान बरकरार है, शरीर बरकरार है, चलना फिरना ठीक है, खाना पीना बाकी जो डेली रूटीन है ठीक है, शिक्षा ठीक है, पढ़ाई ठीक है, सारा चीज ठीक ठाक है, लेकिन अनावश्यक जो भीड़ हो जाती है, 24 घंटा का या 12 घंटे का दिन रात होता है, तो मेरा अधिकांश समय पुस्तक के साथ ही बीतता है, सिर्फ जो स्नान करने में समय जाता है या खाना खाने में जाता है या नेचुरल ड्यूटी में जाता है, उसके बाद तो सिर्फ पुस्तकों के बीच में रहता हूं मैं। और
मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया है और ये 3-4 साल से कोविड के पहले से ही घर में प्रवेश में किन्हीं को नहीं अनुमति देता। गेट पर भी लोगों को मना कर दिया गया है, जिनका ये कॉलोनी है उन्होंने भी गेट पर चपरासियों को मना कर दिया है कि मिश्रा जी के यहाँ किसी को मत जाने दीजिए। मिश्रा जी ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि गेट पर बोल दीजिए। पता क्या है कि बैठे ठाले आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और नौवा देख करके नाखून बढ़े तो वो सबसे और तकलीफदायक चीज हो जाती है। ज्ञान इतना कीमती है कि इसमें एक समय, एक मिनट समय बर्बाद करना माने बर्बाद करना। और समय रोज घटता जाता है, हम रोज मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं और इस समय यदि आप ईश्वर की चर्चा ना करें, ज्ञान की चर्चा ना करें तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, प्लीज इसको मन में बैठा लीजिए, ये मैं सत्य बोल रहा हूं, वो ये कि हमारे शरीर में या कफन में कोई पॉकेट नहीं होता जो इसमें रुपया भर करके या सोना भर करके हम लोग ऊपर ले जाएं, संभव नहीं है। कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता ये कहा जाता है, लेकिन कुछ जाता है साथ में। आत्मा के साथ बहुत कुछ जाता है। आप जितना ज्ञान इस समय प्राप्त कर चुके होंगे, जो पढ़ाई लिखाई करके बच्चे जो ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, उतना ज्ञान के साथ आत्मा जाती है। जो महात्मा हैं, जो सन्यासी हैं, जो ईश्वर का अध्ययन करते हैं, जो ईश्वर के समीप है, जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो जिस लेवल तक, एक लेवल तक पहुंचे हैं तो उस आत्मा में एक लेवल तक का ज्ञान बरकरार रहता है, वो नष्ट नहीं होता। आत्मा नष्ट नहीं होती तो आत्मा में जो चीज रहती है वो भी नष्ट नहीं होता। तो आत्मा में ईश्वर रहते हैं, ज्ञान रहता है। तो जो भी आपके पास ज्ञान है, जो शिक्षा है, उतना आपके पास रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि एक साल में बच्चा जब केजी में रहेगा उसमें सारा ज्ञान रहेगा। रहेगा ज्ञान, उसका ऊपर से धूल हटाना पड़ेगा, गंदगी हटानी पड़ेगी। मतलब आप उतनी चीज को पढ़ने में आसानी से पढ़ सकते हैं, आप अपने कक्षा में तीव्र विद्यार्थी हो सकते हैं, इसलिए कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले जन्म में और इस जन्म में फिर से इसको आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई किया नहीं है उसको शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होगी। जो भगवान की भक्ति किया हुआ ही नहीं है उसको भगवान की भक्ति करने में दिक्कत होगी, उसको फिर से भगवान के साथ ABCD का नाता जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आत्मा के साथ बहुत कुछ जाता है, ये सत्य है, ये मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, किं पापम किं शल्यम प्रच्छन्न कृतम पापम। आत्मा में सारी अच्छी चीजें भरिए, कुछ पाप मत भरिए, गंदगी मत भरिए। आंखों को हमेशा पवित्र रखिए, हाथों को बिल्कुल पवित्र रखिए, अच्छे सुकर्म कीजिए, वाणी मधुर बोलिए। अभी बोलिएगा आप महात्मा बन गए क्या, उपदेश दे रहे हैं? नहीं सर, उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैंने ऐसी जिंदगी जी है, मैंने ऐसी जिंदगी जी है, जिया है ऐसा जिंदगी, इसलिए बोल रहा हूं। मैं एक एग्जांपल बराबर देता हूं कि जब रेलवे में मेरी नौकरी हुई, मैं ऑल इंडिया फोर्थ हुआ था, तो इंडक्शन के दिन सभी बड़े अफसर आते हैं, तो एक अफसर ने कहा कि जिनको हिंदी में गाली देने नहीं आता है अभी रिजाइन कर दीजिए, मैं आपको दूसरे जगह नौकरी दे दूंगा। तो इनडायरेक्टली उनका कहना था कि आप ऐसे दुष्कर्म कीजिए, डांटिए, गाली दीजिए, प्रताड़ित कीजिए, पनिशमेंट दीजिए, तभी आप काम करा सकते हो। कुछ दूर तक भौतिक रूप से ये सत्य भी है,
लेकिन मैं आपको हाथ उठा के बोलता हूँ, मुझे आज तक अपने जिंदगी में कभी ये मौका नहीं मिला रेलवे में कि मैं किसी को गाली दूँ, डांटूँ, हैरेस करूँ, पनिशमेंट दूँ। मैंने किसी को पनिशमेंट दिया है तो डराने के लिए दिया है, और पनिशमेंट जब भी दिया हूँ तो फाइनेंशियल दिया हूँ, दंड दिया हूँ, आर्थिक दंड लिखा हूँ। लेकिन जब मैं रिटायर हुआ तो सारा चीज अपने हाथ से कैंसिल कर दिया, इसलिए कि मैं चाहता था भयभीत होकर के, बिनु भय हो तो न प्रीत, भयभीत होकर के काम तो करें जो रेलवे का काम है, नहीं तो एक्सीडेंट होने लगेंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे। मेरे टेन्योर में एक भी बड़ा एक्सीडेंट मेरे सेक्शन में तो नहीं हुआ। तो आत्मा को पवित्र रखिए, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, जो भोगा हूं, जो जिया हूं, वही तो मेरा अनुरोध है। आत्मा के साथ जो चीज आपके साथ ऊपर जाएगा ईश्वर के पास, उसको तो भरिए, उसको भरिए। बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो कुछ भी नहीं जाएगी, खाली पे पॉकेट शरीर जाएगा आपका, वो भी अग्नि में जल जाएगा। आज यहीं तक, किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा मांग रहा हूं। ज्योतिष एक ऐसा है, इसी में अध्यात्म भी छुपा हुआ है, अध्यात्म ज्योतिष भी इसी में सोया है। जैसे शनि की जो न्याय की बात शनि का है, ये फिलॉसफी है, इसमें तीनों कर्म की व्याख्या करनी पड़ती है, वर्तमान कर्म और क्रियमान कर्म और पिछले बिगड़े जो पिछले जन्म में जो कर्म हुए, वो तीनों कर्म की व्याख्या करके ही ज्योतिष के द्वारा ही आप बता सकते हो, ऐसा नहीं बता सकते। ऐसे तो कुछ भी बोल दो, बाबा बन जाओ, माला और त्रिकोण और ड्रेस वैसा पहन लो, कुछ भी। मैं आप देखते होंगे, मैं आपके सामने आता हूँ, कभी कोई नहीं देखता हूँ कि बहुत बढ़िया कपड़ा पहन के जाऊं, टीका लगा के जाऊं, ऐसा करूं। मैं ये रूप नहीं, मैं सामान्य आपके ऐसा जो आप हैं मैं भी वही हूं, उसी रूप में आना चाहता हूं, अलग से कुछ नहीं। कारण कि आत्मा ही अलग होती है शरीर से, शरीर से अलग होती है तो सिर्फ आत्मा होती है, और आत्मा और जीव अविनाशी हैं। आज यहीं तक, इति शुभम तेहन दो निनाग्ये जोहार।